हेलो मित्रों, एकलव्य जीएस में आपका स्वागत है। ये देखते हैं भारतीय प्राचीन इतिहास के भाग 12वां। कुड़ाल नामक प्राक हड़प्पा कालीन स्थल हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। कुड़ाल से चांदी के दो मुकुट मिले हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो अन्यत्र कहीं नहीं मिलते। हड़प्पा कालीन तटीय नगर और पत्तन देखते हैं। लोथल अहमदाबाद गुजरात में, सुतका गेंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान, बालाकोट कराची पाकिस्तान, अल्लाहदीनो कराची पाकिस्तान। दधेरी एक पर्वती हड़प्पाई पुरास्थल है, पंजाब के लुधियाना जिले में स्थित है। दधेरी पुरास्थल चित्रित धूसर मृदभांड काल से जुड़ा है, जो आर्यों के आगमन का समय है। और देखते हैं सिंध सभ्यता की तिथि विद्वानों ने दिया है। जॉन मार्शल के अनुसार 3250 से 2750 ईसा पूर्व, व्हीलर के अनुसार 2500 से 1500 ईसा पूर्व, मैके के अनुसार 2800 से 2500 ईसा पूर्व, फेयर सर्विस के अनुसार 2000 से 1500 ईसा पूर्व, वत्स के अनुसार 3500 से 2700 ईसा पूर्व, आल्चिन्स के अनुसार 2250 से 1750 ईसा पूर्व, आर्य शर्मा के अनुसार 2500 से 1800 ईसा पूर्व, डीपी अग्रवाल के अनुसार 2300 से 1750 ईसा पूर्व, डेल्स के अनुसार 2154 से 1864 ईसा पूर्व। आगे देखते हैं सिंधु सभ्यता की तिथि को लेकर इतिहासकारों में भिन्न भिन्न मत हैं। किसी एक तिथि पर मताक्य के अभाव में व्हीलर द्वारा प्रस्तावित 2500 से 1500 ईसा पूर्व की कालावधि को स्वीकार किया जाता है। लोथल और सूटकोटदा पुरास्थल का नगर और गढ़ी क्षेत्र दोनों एक रक्षा प्राचीर से घिरा है। लोथल और कालीबंगा के मकानों में आयताकार और अंडाकार बेदी या अग्निकुंड मिले हैं। हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के मकानों के कोने एल आकार की ईंटों से, कुएं और मेहराब कन्नीदार ईंटों से बनाए गए। कालीबंगा से लकड़ी की नाली के साक्ष्य, लोथल से सीढ़ीदार नाली के साक्ष्य तथा बनावली से नालियों के नाम मिलने का साक्ष्य मिलता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक धातु निर्मित मूर्तियां मधुच्छिष्ट विधि से बनाई गई। हड़प्पा सभ्यता से में प्राप्त मृण मूर्तियों में नारी मृण मूर्तियों की संख्या सर्वाधिक है। मोहनजोदड़ो से घुटने के बल चलते हुए दो बच्चों की मूर्तियां मिली हैं। आगे देखते हैं सिंधु सभ्यता में मुहरों के निर्माण में सर्वाधिक सिलखड़ी का प्रयोग किया गया। इसके अलावा काचली मिट्टी, गोमेद, चर्ट और मिट्टी का भी मुहरों के निर्माण में प्रयोग किया गया। सिंधु कालीन मुहरें अधिकांशतः बेलनाकार, वर्गाकार, आयताकार और वृत्ताकार आकार में मिली। वर्गाकार मुहरें सिंधु सभ्यता के नगरों में बहुत लोकप्रिय थी। सिंधु मुहरों पर अधिकांश में चित्रलिपि, लेख और पशु आकृतियाँ बनी हैं। पशु आकृतियों में बिना डील वाले बैल की आकृति सर्वाधिक है। सिंधु सभ्यता में मनकों का निर्माण सेलखड़ी, गोमेद, कार्नेलियन, जैस्पर आदि पत्थरों से किया गया। सिंधु सभ्यता में बेलनाकार मनके सर्वाधिक लोकप्रिय थे। चन्हुदड़ो एवं लोथल नामक स्थल से मनका निर्माण के कारखाने मिले हैं। मोहनजोदड़ो से गोमेद से निर्मित एक मनका मिला है। आगे देखते हैं सिंधु लिपि को चित्रात्मक पिक्टोग्राफिकल स्क्रिप्ट कहा जाता है। कालीबंगा, सुरकोटदा और बनवाली से सिंधु लिपि मिट्टी के बर्तनों के टुकड़ों पर मिली है। सिंधु लिपि में अभी तक
400 अक्षर आकृतियां मिली हैं। सैंधव लिप को ब्रुष्टोफेदन लिप या गौमूत्रिका या हलावर्त शैली कहा जाता है। इसे सर्पाकार भी कहा जाता है। सैंधव सभ्यता में अनुमान लगाया जा रहा है कि वहां पर दास प्रथा का भी प्रचलन था। सैंधव समाज में संभवतः कृषक और श्रमिक की संख्या सर्वाधिक थी। हड़प्पा कालीन पुरास्थलों में कहीं से भी पादुका या जूते के अवशेष नहीं मिले। सूती वस्त्र का प्रयोग होता था, परंतु ऊनी या रेशमी वस्त्रों के प्रयोग का साक्ष्य नहीं मिलता। हड़प्पा कालीन लोगों के मनोरंजन के प्रधान साधन पासे का खेल और नृत्य था। धन्यवाद मित्रों, मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट में लिखिएगा। और सर्वप्रथम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे नई वीडियो लोड करें तो आप लोग को इन्फॉर्म तत्काल हो जाए। धन्यवाद।